ये है दिल्ली दर्पण। बीते दिनों सोशल मीडिया पर ब्रह्मपुरी 12 नंबर गली का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें कुछ किन्नर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट और गली में अर्धनंग होकर उत्पात मचाते हुए नजर आए। जब लोग इस तांडव के सामने तमाशबीन बने हुए थे, तब एक व्यक्ति ने आगे आकर बीच बचाव का प्रयास किया। एसएचओ न्यूज मानपुर आनंद यादव और पुलिस को कॉल की। इतना ही नहीं, घटना की वीडियो फुटेज एरिया के एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी, मगर न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने उल्टा उसी के खिलाफ दूसरे पक्ष के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। झगड़े की एफआईआर में नामजद पंडित शंकर लाल गौतम ने बेल पर तिहाड़ से बाहर आकर एलजी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ज्वाइंट सीपी व डीसीपी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। शंकर लाल का आरोप है कि मामले में जांच अधिकारी एएसआई सीताराम ने उन्हें जानबूझकर झूठे केस में फंसाया है। दूसरे पक्ष में संजय नाम के व्यक्ति ने जिस वक्त अपने साथ वारदात का समय बताया, उस वक्त वो घटना स्थल पर नहीं बल्कि अपने घर पर मौजूद थे, जिसका सबूत सीसीटीवी फुटेज है। शंकर लाल ने अधिकारियों से मांग की है कि एफआईआर से उनका नाम हटाया जाए और झूठे केस में फंसाने वाले आईओ सीताराम के खिलाफ विजिलेंस जांच और सख्त कार्यवाही हो। एएसआई सीताराम पर लगाए गंभीर आरोप, पंडित शंकर लाल ने बताया कि वो परिवार के साथ ब्रह्मपुरी गली नंबर 14 में रहते हैं। वो कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। एएसआई सीताराम ने उनके खिलाफ वर्ष 2017 और 2019 में भी झूठा कलंदारा बनाया था, जिसके खिलाफ पीड़ित ने कड़कड़डूमा में एक सिविल मामला दायर किया था, जो आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। पुरानी रंजिश के चलते ही सीताराम ने उन्हें फंसाया है। शंकर लाल का कहना है कि एफआईआर में संजय ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं। संजय का आरोप है कि शंकर आरोपी प्रवीण और अपनी पत्नी व अन्यों के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर आए और मुझ पर हमला किया। वारदात 12 अगस्त दोपहर 2:30 बजे की बताई गई। शंकर का कहना है कि उस वक्त वो अपने घर में मौजूद था। शंकर ने बताया कि गली नंबर 12 में किन्नरों के हंगामे और मारपीट की जानकारी मिली तो वो 4:27 पर गली में पहुंचे। उनके गली में आने का वक्त सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ है। सभी लोग तमाशबीन खड़े थे, तब हिम्मत करके उन्होंने हाथ से इशारा कर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। शंकर ने बताया कि जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्होंने पुलिस और फिर न्यू उस्मानपुर एसएचओ आनंद यादव को कॉल कर घटना की जानकारी दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में भी मौजूद रहे। इसके बावजूद उन्हें सीताराम ने झूठे मामले में फंसा कर जेल भेज दिया। गली नंबर 12 में समय करीबन 4:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि किन्नरों के द्वारा बंटी शर्मा नीतू शर्मा के घर पर हमला किया गया है। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो 10-15 किन्नरों ने नीतू शर्मा को पकड़ रखा था और उसे छोड़ नहीं रहे थे। मैंने उससे किन्नरों से नीतू शर्मा को अलग किया, अलग करके उसको अलग बैठाया, इसकी सूचना पुलिस को दी 112 पर। उसके बाद पुलिस जल्दी आया तो मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी पुलिस भेजता हूँ। और उसके बाद मैंने सारी, जब वो पुलिस आ गई तो उन सबको वो पीसीआर में ले गई, हॉस्पिटल ले गई, और जो हमारी सेवा थी वो हमने करी। लेकिन वहाँ के जो एएसआई हैं सीताराम, जब मैं अगले दिन सुबह रहे नीतू शर्मा के कपड़े हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो उसका आधार कार्ड की कॉपी हॉस्पिटल वालों ने मांगी थी, तो मुझे नहीं पता था कि एएसआई सीताराम ने जानबूझकर मेरा नाम उस एफआईआर में इंक्लूड कर दिया, जबकि मेरा उस लड़ाई में कोई कुछ नहीं था और ना मैंने कुछ वहाँ पे कोई हाथ में डंडा लिए हूँ, ना कोई हथियार लिए हूँ, और मेरी तो जाने की सीसीटीवी भी है, वहाँ के जो सीसीटीवी बता रहे हैं वो क्लियर है कि मैंने उनको बीच बचाव करवाया। बीच बचाव करने का और पुलिस को सूचना देने का उन्होंने ऐसा खामियाजा उठाना पड़ा कि मुझे उन्होंने गिरफ्तार करके एक दिन के लिए जेल भी भिजवा दिया। शिकायतकर्ताओं ने जो बयान दिए उसी आधार पर न्यू उस्मानपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। क्रॉस एफआईआर में दोनों पक्षों की ओर से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अगर किसी को जांच में आपत्ति है तो वो एसीपी के पास जाकर लिखित शिकायत दे सकता है। तथ्यों को जरूर वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट।